अभी भी यहाँ से केदारनाथ करीब 5 किलोमीटर दूर है और अभी टाइम 10 बज रहा है रात का और हम गौरीकुंड से दोपहर के 1 बजे निकले थे, तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा टाइम लगता है। और यह बच्चों का खेल नहीं है, थकान भी काफ़ी होता है, तो बी प्रिपेयर्ड। वो कहते हैं ना, दर्शन उन्हीं को मिलती है जिन्हें महादेव खुद बुलाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने यूं ही बोल दिया कि चल केदारनाथ चलते हैं और फिर अगले ही दिन देहरादून से हम निकल गए केदारनाथ के लिए। तो हम पहुंच गए ऋषिकेश बस का पता करने। तो हमें पता लगा कि ऋषिकेश और हरिद्वार से बस सुबह 4 बजे से 7 बजे तक ही मिलती है। इतने में ही पीछे से एक फरिश्ता बाइक पे उड़ता उड़ता आया। फिर उस फरिश्ते ने बताया कि उनके पास पैसेंजर कार है जिससे वो केदारनाथ जा रहे हैं। तो फिर क्या, बस फिर हमने महादेव का इशारा समझा और झटपट से बैठ गए उस गाड़ी में। तो ये थी भैया बैक स्टोरी इस व्यू की जो आप अभी देख रहे हो। प्रेजेंट स्टोरी ये है कि ऋषिकेश से निकलते निकलते हमें 4 घंटे लग गए। ट्रैफिक से निकलने के बाद हमारा फर्स्ट स्टॉप था देवप्रयाग, बस 10 मिनट के लिए। देवप्रयाग पंचप्रयाग में से एक प्रयाग है। यहाँ अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलकर बनती है गंगा। हमारा अगला स्टॉप था धारी देवी टेम्पल, फिर से बस 10 मिनट के लिए। तो हम केदारनाथ के पास पहुंच चुके हैं और ये बिल्कुल ही नजदीक आ चुके हैं। यहाँ से बर्फ की पहाड़ी दिख रही है। अब बस वहाँ जाने के इंतजार है, लेकिन हमारे ड्राइवर साहब सो रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत नींद आ रही है। रात हो गई है, 3 बज रहे हैं। शर्ट पहना है लेकिन अब हमें लगता है कि हाँ जैकेट पहनने की जरूरत है। भाई जोश में आ गया है, सो रहा था। अब भाई गाना सुनेगा और यहाँ पे मैगी बन रहा है। भाई बना रहा है मैगी, एकदम टेस्टी, एकदम पहाड़ी वाला मैगी। खा के आ जाएगा मज़ा सबको। 4 बजे वापस चलने के बाद सुबह 6:30 बजे हम पहुंच गए अपने फाइनल स्टॉप सीतापुर बस स्टैंड इन सोन प्रयाग। सोन प्रयाग पहुंचते ही जो सुकून मिला ना, वो सुकून बिल्कुल वैसा ही था जैसे दशहरा में सुबह उठ के नहा धो के पूजा करने के बाद वाले जो फीलिंग आती है ना, बिल्कुल वैसा है फीलिंग। सोन प्रयाग ही पहुंचे थे और ऐसा लग रहा था कि स्वयं बाबा के धाम आ गए। तो हम लोग आ गए अभी केदारनाथ के शटल सर्विस के पास। आपको यहाँ आने के लिए आप जो भी बस से आओगे या फिर टैक्सी से आओगे तो छोड़ना पड़ेगा आपको फाटा में, और फाटा के बाद आपको यहाँ पे आने तक पैदल आना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि ये 1 से 2 किलोमीटर है, बट इट्स लाइक 7-8 किलोमीटर। सो बी प्रिपेयर। और ये लाठी लिया है हमने, तो ये लाठी डंडा जो भी आप कहते हो आप भी ले लो, क्योंकि आगे जो शटल सर्विस है वो 5 किलोमीटर तक छोड़ेगी आपको, और 5 किलोमीटर के बाद आपको ट्रैक करना है और वो माउंटेन चढ़ना है बिल्कुल, उसके लिए आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उसके बिना आप नहीं जा पाओगे। देखिए आप लाइन कितनी लंबी है, बहुत लंबी लाइन लगी है। लाइन इससे लगी कि आगे रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन में आपका डॉक्यूमेंट्स लेंगे ताकि आपको डिटेल्स उनके पास सेव हो और फिर आप आगे जा सकते हो। इट्स बीन मोर देन 3 आवर्स दैट आई एम वॉकिंग एंड राइट नाउ आई हैव रीच्ड टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर आई कैन टेक दिस टैक्सीज। तो आप देख रहे हो ये सर्विस है, ये गाड़ी वही जाती है। अभी तो 5 किलोमीटर की रास्ता है वहाँ तक छोड़ती है, बट हमने ये गाड़ी लेके बीच में ड्रॉप किया क्योंकि ये गाड़ी से जाना है बिल्कुल भी फायदा का नहीं है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, 5 किलोमीटर आने में 2 घंटे लगाते हैं गाड़ी। एक साइड से जो लोग वापस जाते हैं वो गाड़ी आती है और एक साइड से जो केदारनाथ जाते हैं वो गाड़ी आती है, तो रास्ता क्लियर नहीं होता। तो पर्सनली आई वॉन्ट रिकमेंड कि इस गाड़ी से आओ, पैदल ही आओ, दैट वुड बी बेटर। बस अभी हम पहुंचने वाले हैं।
पहाड़ी मैगी खाने के लिए रुके हैं। यहाँ से गौरीकुंड बस आधा किलोमीटर दूर है। गाड़ी छोड़ के पैदल आना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि गाड़ी में 2 घंटे बैठना इज नॉट फिजिबल राइट। तो ये हमारी मैगी हो रही है, आंटी बना रही है मैगी। क्रांति है नेपाल से, अब इसी दिन तो वो फिलहाल आई हैं पहली बार। इसके बाद स्टार्ट होगी असली ट्रक गौरीकुंड के आगे। 16 किलोमीटर की ट्रक है जो कि हमें ले जाएगी केदारनाथ। काफ़ी थक गए हैं हम लोग, कल शाम से ही सफ़र कर रहे हैं। 3 बजे घर से निकले हैं एंड वी हैवंट टेकन एनी रेस्ट, क्योंकि अगर रेस्ट करते तो अभी तक आ नहीं पाते, और भी टाइम लगता। तो अभी यहाँ से सफ़र स्टार्ट करेंगे तो मे बी बाय द इवनिंग वी विल रीच टू द केदारनाथ टेम्पल, और फिर मज़े ही मज़े। तो ये है हमारी पहाड़ों की मैगी। तो अभी हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर ऊपर। जैसे ही झरना देखोगे आप समझ जाना कि 17 किलोमीटर्स और है। इट्स लैंडमार्क फॉर यू। और ये है मेरा भाई नवनीत, हम दोनों साथ में दर्शन करने के लिए आए हैं। बाबा जी का डंडा भी है कोई पंगा लेगा तो डंडा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था रामबाड़ा। आप जब भी केदारनाथ जाओगे तो याद रखना कि आप रामबाड़ा तक जाओ, रामबाड़ा ब्रिज क्रॉस करके ही आगे केदारनाथ मंदिर की तरफ बढ़ो, क्योंकि उससे पहले भी एक जगह आएगा जहां पे रास्ते डिवाइड होंगे। लेकिन आप उस रास्ते मत जाना क्योंकि वो रास्ता बहुत ही लंबा है और वो रास्ता घोड़ों और खच्चरों के लिए बनाया गया है। अभी भी यहां से केदारनाथ करीब 5 किलोमीटर दूर है और अभी टाइम 10 बज रहा है रात का, और हम गौरीकुंड से दोपहर के 1 बजे निकले थे। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपको ये लग रहा हो कि ये 16 किलोमीटर से या 21 किलोमीटर से तो बहुत कम टाइम में आप पहुँच जाओगे, इट्स नॉट दैट, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और यह बच्चों का खेल नहीं थकान भी काफ़ी होता है, तो बी प्रिपेयर्ड, जब आप आओ तो टाइम लेके आओ। और एक इम्पॉर्टेंट ये कि यहाँ पे जब आप जाते हो तो देख पा रहे हो कि ये घोड़े भी साथ में जाते हैं, तो चलना इनके साथ काफ़ी मुश्किल होता है। तो ही पार्क है हर तरह, हर जगह नेहरू पार्क है। तो 4 बजे बाद शाम को नीचे से आना इनका एंट्री बंद हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा कम घोड़े उस टाइम ऊपर आ पाते हैं। तो आप शाम के 4 बजे के बाद अगर चढ़ाई स्टार्ट करोगे और यहाँ पे 2-3 बजे रात को पहुँचोगे और सुबह का दर्शन करके वापस आप जा सकते हो, तो दैट वुड बी बेस्ट फॉर यू। और भी इतना चढ़ाई करना है, अभी इसके आगे भी बहुत चढ़ाई करना है। एंड यस, एज माय फ्रेंड सेड, इट्स अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं, पहुँचना बाकी है। लेट्स सी हाउ इट गोस। और इस 6 डिग्री के टेम्परेचर में पसीने आ रहे हैं, तो ये भी एक अमेजिंग सा एक्सपीरियंस है। इन सब से अगर आपको बचना है तो आप हेलीकॉप्टर के थ्रू भी जा सकते हो। हेलीकॉप्टर सेम डे रिटर्न या नेक्स्ट डे रिटर्न के बेसिस पे अवेलेबल होती है। हेलीकॉप्टर बोर्डिंग के कई सारे पॉइंट्स हैं केदारनाथ, जैसे सरसी, पाटा, सीतापुर एंड गुप्तकाशी। हेलीकॉप्टर बुकिंग आपको एडवांस में करनी पड़ेगी, यानी कम से कम 1-2 महीने पहले। हेलीकॉप्टर बुकिंग में बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं, तो आप किसी भी नॉन ट्रस्टेड वेबसाइट से हेलीकॉप्टर बुक ना करें। हेलीकॉप्टर बुक करने के लिए वेबसाइट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी। नॉर्मली इसकी कॉस्टिंग 2 वे की 6800 रुपीज़ होती है, लेकिन ये कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन दी हाई डिमांड एंड पीक। तो आपको 6000 से 10000 के बीच में हेलीकॉप्टर की बुकिंग मिल जाएगी। केदारनाथ जाने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने इसकी एक लिस्ट डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, तो आपको जरूर पढ़ लेना। रामबाड़ा के बाद हम कंटिन्यूस चलते रहे, बीच में बस 2-3 छोटी छोटी ब्रेक ली और रात के करीबन 1 बजे मंदिर के पास पहुंचे। तो हमने वहीं खाना खाया और फिर टेंट बुक करके आराम कर लिया। गुड मॉर्निंग, दिस इज माय सेकंड डे ऑफ दिस ब्लॉग कम टू द केदारनाथ। द फर्स्ट डे केम एंड स्टेड एट द टॉप, यहाँ पर हमने टेंट बुक किया था। Tent site is just beside mountains near the Kedarnath temple, so that can be visited at any time, and any time it can be booked. You do not need to pre-book it because there's lots of options available. I'm standing just near the line. We have came here in the morning at 6 so that we can get a chance of darshan as early as possible.
If you delay more than this, then this line that is starting right from here, it will be a long trip. तो प्लान के अकॉर्डिंग हम सुबह जल्दी उठ गए और फ्रेश होकर चले गए मंदिर के दर्शन के लिए। बहुत लंबी लाइन लगती है भैया सुबह सुबह। दर्शन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको चाहिए होगी कोई भी नेशनल आईडी जिसमें आपकी फ़ोटो हो। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक रिसीट मिलेगी जो कि मंदिर में एंट्री के लिए क्रूशियल है, तो इस रिसीट को आप संभाल के रखना। रात के 12-1 बजे के बाद टेम्पल बंद हो जाती है और फिर सुबह 6 बजे आम लोगों के दर्शन के लिए खुलती है, और दर्शन करने के लिए लोग लाइन में सुबह 3-4 बजे ही लग जाते हैं। रुको जरा, अभी लाइन खत्म नहीं हुई है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक अलग लाइन लगती है दर्शन के लिए, जो कि स्टार्ट होती है मंदिर के कंपाउंड के अंदर। ये लाइन में आपको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आम आदमी से पहले यहाँ कटहल आदमी को दर्शन करवाई जाती है। कटहल मतलब VIP पास वालों को। हम सुबह 7 बजे ही लाइन में लग गए थे। फिर जाके दोपहर के 2 बजे बारिश धूप सब झेलकर दर्शन करने का सौभाग्य मिला। बाबा के दर्शन के बाद मैंने एक एनर्जी फील की थी, एनर्जी जो बिल्कुल प्योर एंड डिवाइन हो। ऐसी एनर्जी जिससे मेरे आंखों में अपने आप आंसू आ गए थे। मानो मेरे अंदर कुछ चल रहा था लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या। ऐसी एनर्जी मैंने फर्स्ट टाइम फील की थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर ट्रुथ अबाउट केदारनाथ दैट यू डोंट नो एंड प्रैक्टिसेस विच मस्ट बी बैंड forever.